उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र के सबेसू मोड़ के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यहां बारिश के दौरान एक रोडवेज बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। हादसे में यात्री बाल बाल बच गए। यात्री पीछे खिड़की का शीशा तोड़कर नीचे कूदे, तो वहीं ग्रामीणों ने कुछ यात्रियों को सीढ़ी लगवा कर बचाया। हादसे में 22 से ज्यादा सवारी घायल हो गई। जानकारी मिलते ही बिल्लौर थाने की पुलिस और रोडवेज के अफसर मौके पर पहुंचे। ड्राइवर की लापरवाही से 45 से सवारियों की जान अटकी। जगरगढ़ी बस अड्डे के ARM राजेश सिंह ने बताया कि बुलंदशहर डिपो की बस से कानपुर से दिल्ली जा रही थी। इसमें 45 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। तेज बारिश में बिल्लौर के धौसलार पुल पर बस अनियंत्रित हुई और रेलिंग को तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। बस नदी में पूरी तरह पलट नहीं सकी और अटक गई। इससे सवारियों के बीच चीख पुकार मच गई। बस के शीशे को तोड़कर कई सवारियां नीचे कूदी तो सीधे नदी में जा गिरी। नदी में ज्यादा पानी नहीं होने के चलते सभी यात्रियां सुरक्षित निकाल लिए गए। करीब 22 सवारी हादसे में घायल होने की जानकारी मिली है। जानकारी मिलते ही देर शाम तक बिल्लौर थाना प्रभारी अनूप निगम फोर्स के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। वहीं ARM राजेश सिंह ने बताया कि हादसे के दौरान सबसे पहले गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। कोई सीढ़ी लेकर तो कोई रस्सी की मदद से एक एक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों की सक्रियता की वजह से एक भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। घायलों को इलाज के लिए CST अस्पताल भेज दिया गया। वहीं ARM ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही रोडवेज अफसरों के साथ ही कर्मचारियों की एक टीम मौके पर रवाना हो गई। इसके साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए एक दूसरी बस भी कानपुर जगरगढ़ी बस अड्डे से रवाना की गई है। कानपुर से संवाददाता आप रंजन मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।